सर, आपके विभाग द्वारा जो है कुछ सिलेंडर पकड़े गए हैं, कहां से सिलेंडर आते थे, कहां पहुंचाए जा रहे थे, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, कैसे पहुंच बन पाई है विभाग की? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि SHO इंदिरापुरम द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 78 गैस सिलेंडर पकड़े गए हैं जिसके पास कोई भी वैध कागज उपलब्ध नहीं था। उनकी सूचना के आधार पर मैंने क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक को भेजा वहाँ पे, और उस पूर्ति निरीक्षक द्वारा पूरी मामले का तफ्तीश किया गया और उसमें जो है दो आरोपियों के विरुद्ध FIR कराई गई जिलाधिकारी महोदय से अनुमति प्राप्त करने के बाद। इसमें मैं डिटेल बताना चाहता हूँ, उसमें दो आरोपी हैं, देवेंद्र और रेवती, और इनके द्वारा अपने बयान में बताया गया कि ये जनपद मेरठ में एक गैस एजेंसी, रंजना गैस एजेंसी है, वहाँ से ये गैस लेके आ रहे थे और अपने नगर पंचायत खोड़ा में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इनको जाना था, तो उसी दौरान ये SHO द्वारा पकड़ा गया और अवगत कराया गया और इन पे जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत FIR करा दिया गया। सर, खोड़ा का जिक्र हुआ है, क्या ये सारी जो गैस की खपत है खोड़ा में की जा रही थी, तो क्या ऐसे किसी एड्रेस को चिन्हित किया जाएगा विभाग द्वारा कि जहां इनकी खपत की जा रही थी? जी, इसका हम लोग जो है मॉनिटर करेंगे और इसका हम लोग जो है खुद अपनी टीम को समय समय पर भेजते रहेंगे और इसकी तफ्तीश कराते रहेंगे कि कोई भी अवैध सिलेंडर का उपयोग न करें। पकड़े गए आरोपित क्या पहले भी ऐसे कार्य में संलिप्तता पाई गई है, ऐसा कोई डिटेल? अब इसकी विवेचना पुलिस करेगी, विभाग को इसके पहले कोई जानकारी नहीं थी कि पहले भी इस तरह कोई इनके द्वारा किया जा रहा था।